हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज आपको मैं ऑरेंज का ग्राफ्टिंग बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू मीन्स यू कैन से प्रिपेयर ग्राफ्टिंग ऑफ साइट्रस। तो साइट्रस प्लांट में सभी प्रकार के आते हैं, नींबू वर्गीय जिसमें ऑरेंज आता है, मौसम्बी आता है और अन्य प्रकार के जो नींबूज हैं तो लेमन्स है, वो सभी आते हैं साइट्रस फैमिली में। तो साइट्रस फैमिली में एक दूसरे पर फैमिली सेम होने की वजह से नींबू की संतरे पे, संतरे की नींबू पे, मौसम्बी पे नींबू की, इस प्रकार की आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और इसमें ग्राफ्टिंग दो तीन प्रकार से कर सकते हैं। वी ग्राफ्टिंग जिसे सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग कहा जाता है, वहाँ काम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि संतरे की कलम, क्योंकि संतरा एक थोड़ा बड़ा पौधा होता है, बड़ा फल होता है, इसलिए उसकी एज भी बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए। और इसलिए संतरे की कलम जब भी आपको लगानी है तो एक लोकल वैरायटी मिलती है साइट्रस की, जिसे अंग्रेजी में श्योर ऑरेंज कहा गया है। श्योर ऑरेंज यानी खट्टा संतरा, उसे हम गजनिंबू कहते हैं और मराठी में इसे, महाराष्ट्र में जंभेरी कहते हैं। तो जंभेरी यहाँ लगभग आधा से एक किलो तक का ऑरेंज टाइप का फ्रूट होता है, पत्ते बड़े रहते हैं मौसम्बी के भी पत्ते से। तो देखिएगा, उसके आप प्लांट तैयार कीजिए, जब पेंसिल साइज का प्लांट तैयार हो जाता है उसको आप कट करके आधा फीट एक फीट पे से कट करके, पेंसिल साइज का है, पेंसिल से कम भी रहा तो भी चलता है, तो उसमें आप ऑरेंज की जो स्टिक रहती है ग्रीन, उसको आप वी शेप करके आप उसे दो या तीन अंकुर वाला लकड़ी जिसकी लंबाई जो है, लेंथ है आपको 5 से 7 सेंटीमीटर तक लंबी, क्योंकि आप जब उसका वी शेप बनाएंगे, वेड शेप करेंगे तो लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ देखिएगा, हमने इंसर्ट किया। अब वहाँ आप जो सायन से है, सायन मैं बता चुका हूँ कि ग्रीन कलर की चाहिए, सायन का कलर देख लीजिएगा आप, यहाँ देख लीजिएगा ग्रीन कलर चाहिए सायन का। इस प्रकार आप संतरे का, मौसम्बी का जो भी है, यह हम ऑरेंज का करने जा रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑरेंज की कलम करने के लिए आपको कौन सा पौधा लगाना है। तो नींबू पे आप ऑरेंज की कलम ना कीजिए। देखिएगा यहाँ वी ग्राफ्टिंग, जैसे मेरे मैंगो के वीडियोज़ है वी ग्राफ्टिंग के, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के, उसी प्रकार का सिंपल है यहाँ, और इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। लेकिन यह जनरली विंटर में किया जाता है मैंगो अपना, इसका साइट्रस फैमिली का जो बड ग्राफ्टिंग है, जनरली बड ग्राफ्टिंग हो, रिंग ग्राफ्टिंग हो या पैच ग्राफ्टिंग हो, जो बेरी में मैंने पैच ग्राफ्टिंग, रिंग ग्राफ्टिंग, सभी प्रकार का बेरी में मैंने सभी प्रकार की ग्राफ्टिंग बता दी है, उसी प्रकार का सेम प्रोसीजर ऑरेंज हो, सिट ये या तो मौसम्बी हो, इनमें किया जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ लगभग इस जो का यह जो सायन है, यह ऑरेंज का है हमने लाया है, तो इस प्रकार का ग्रीन सायन चाहिए। एकदम ग्रीन नहीं कि भाई अभी एक महीने का हुआ है, कम से कम 2 महीना एज चाहिए, 2 से 3 महीना। इस प्रकार का आप सायन, आप 2 से 4 महीने तक का सायन जो हरा है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके पीसेस बना लीजिए 7 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के, जिसमें लगभग 3 अंकुर हो, कम से कम 3 बड्स हो। तो यहाँ देखिएगा, हमने यहाँ सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग की है। तो दोस्तों, मैं आपको अभी बताया कि भाई जनरली इसके लिए अगर से आपको पौधा लगाना है तो एक बड़ा खट्टा ऑरेंज जिसे कहते हैं, बड़ा आधा से एक किलो होता है गजनिंबू, हमारे इधर गजनिंबू कहते हैं, महाराष्ट्र में भी उसे प्योर लैंग्वेज में, शुद्ध मराठी में उसे जंभेरी कहते हैं। तो दोस्तों, जंभेरी के सीड्स लगा लीजिए और उसके बाद उसे 1 साल के बाद में यहाँ मौसम्बी वगैरह की कोई भी प्रकार की कलमें आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार सिंपल प्रोसेस है, सक्सेस रेट अच्छा है, नवंबर महीने से शुरू हो जाता है दोस्तों। तो आपने मेरा वीडियो पूरा ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको फिर अगेन थैंक यू। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए।